वाहन चालकों के लिए पार्किंग की समस्या सबसे गंभीर समस्या बनती जा रही है। यही कारण है कि वाहन चालकों को मजबूरी में अपने वाहन सड़क किनारे पार्क करने पड़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए वर्ष 2002 में बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण मिनी सचिवालय के साथ पर्यटन विभाग द्वारा किया गया था। हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और सांसद अनुराग ठाकुर ने 1 सितंबर 2012 को इस पार्किंग स्थल का उद्घाटन भी किया था। वर्ष 2012 के बाद यहां पर एक भी ईंट नहीं लगाई गई। वर्तमान में इस पार्किंग स्थल में 100 गाड़ियों को पार्क करने की जगह है। इसी प्रकार नगर परिषद द्वारा सब्जी मंडी, टाउन हॉल और शिव मंदिर के पास पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। इन जगहों पर भी कई लोगों को वाहन पार्क करने की जगह नहीं मिल रही है। इसके अलावा शहर में 4 प्राइवेट पार्किंग स्थल और बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी जगह कम पड़ रही है। शहर में पार्किंग की समस्या राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज अस्पताल और मिनी सचिवालय के पास अधिक है। रोजाना सैकड़ों वाहन चालक आते हैं, लेकिन उन्हें जगह न मिलने के कारण सड़क किनारे वाहन पार्क करने पड़ते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें चालान भुगत कर करना पड़ता है। यातायात पुलिस द्वारा सड़क किनारे पार्क किए गए वाहन चालकों के वाहनों के चालान किए जाते हैं, जो वाहन चालकों की और मुश्किलें बढ़ा देते हैं। शहर में स्थानीय प्रशासन व लोगों द्वारा प्राइवेट पार्किंग बनाई गई है, लेकिन फिर भी वाहन पार्क करने के लिए जगह छोटी पड़ जा रही है। मिनी सचिवालय में 100 गाड़ियां पार्क करने के बाद जगह नहीं रहती तो सड़क किनारे वाहनों को पार्क कर रहे हैं। इस बारे में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि शहर में 3 जगहों पर पार्किंग बनाई गई है। उन्होंने बताया कि वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इसीलिए पार्किंग की समस्या भी बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि स्थानीय प्रशासन इसके लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि मिनी सचिवालय में भी पार्किंग के लिए और तल बनाए जाएंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में पार्किंग की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और लोग सड़क किनारे वाहनों को पार्क कर रहे हैं, जिसके कारण दुकानदारों के साथ अन्य वाहन चालकों को दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। दिन प्रतिदिन शहर में पार्किंग की समस्या बढ़ रही है। स्थानीय प्रशासन को इसके लिए प्रबंध करने चाहिए। स्थानीय दुकानदारों ने कहा कि मिनी सचिवालय में बहुमंजिला भवन का निर्माण पूरा हो जाए तो कुछ हद तक वाहन चालकों को राहत मिलेगी। लोगों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन ने तो पार्किंग की व्यवस्था की है, लेकिन वो स्थान छोटा पड़ रहा है। बहुमंजिला पार्किंग में अगर और मंजिलें बना दी जाएं तो लोगों को इसका लाभ मिलेगा। पार्किंग न होने की वजह से कई वाहन चालक अपने वाहन सड़क के किनारे खड़े कर देते हैं। चलो अब MLA साहब है, देखो क्या करते हैं। अभी साल तो हो गया, साल में कुछ नहीं चेंज हुई नहीं वैसे, पर इनको करनी चाहिए कोशिश। और लोकल लोग हैं यहाँ पे, डे टू डे इन समस्याओं से जूझते हैं और देखते भी है। अब कहते हैं कि जैसे सड़कों की परिस्थिति भी ठीक नहीं है, तो किसी तरह से कुछ करना चाहिए सरकार का। होनी चाहिए पार्किंग व्यवस्था, अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो है ना काफ़ी देर तक हो जाता है, जाम लग जाता है, एक्सीडेंट होने के चांस हो जाते हैं, तो इसलिए पार्किंग व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इंद्र जो है ना जो है वो हमीरपुर में दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर ऐसा है कि अभी रोड जो है उनकी भी हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं और खासकर टू व्हीलर के लिए बहुत परेशानी हो रही है और एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन सर इसका सरकार की तरफ से कोई योगदान नहीं है और ना ही इनको ठीक किया गया है। अभी इलेक्शन आए हैं तो इन्होंने सड़कें जो है वो इन्होंने पूरा अलग गाड़ी पार्क कहीं नहीं कर सकते हैं। अगर पार्किंग में आए तो पार्किंग में तो जगह नहीं होती गाड़ी लगाने की। अभी आपके सामने एक गाड़ी वाला बंदा आ गया, उससे गाड़ी बैक नहीं करी जा रही थी और इतना जाम लग गया कि ट्रैफिक मतलब जाम होने के कगार पर आ गया था।